ओनली 5 मिनट्स में आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट इडली, या तो चॉकोलावा केक भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है, टेस्टी होता है, बच्चों को तो स्पेशली पसंद आता ही आता है। तो 5 मिनट में बनने वाला ये डेजर्ट है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वॉच करना है तो ये समझ में आएगा, क्योंकि जो इसमें मिस्टेक्स होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक के साथ आज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चॉकोलावा केक बनाने के लिए ना कोई भी चॉकलेट बिस्किट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने ये वाले किया है। और इसे मैं सबसे पहले निकालूंगी रैपर से। तो ये बनाना बेहद ही ज़्यादा आसान है, जैसे कि बॉनबॉन बिस्किट्स आता है, लेकिन चॉकलेट बिस्किट ही रहना चाहिए। या तो बहुत सारे लोग ओरियो बिस्किट जो होता है ना उसका ही बनाते हैं, मैं यहाँ पे ये नॉर्मल वाला बिस्किट ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें जितने भी पैकेट है ना सब मैं मिक्सी के जार में ऐड कर दूंगी। वैसे हमें ग्राइंड करना होगा, इसके एक पाउडर बना लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी पाउडर मैंने बना ली है। इसमें दरदरा नहीं रहना चाहिए, मतलब कि जो बिस्किट के टुकड़े ना वो मौजूद नहीं होना चाहिए। इस तरीके की स्मूथ पाउडर बन जाती है इजीली। इसे मैं एक बाउल में डाल दूंगी, इस तरीके से ट्रांसफर कर देंगे। ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स से ही ये बनती है, बिल्कुल भी ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो ये पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है बिस्किट की। इसमें हम ऐड कर देंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है ना, जो घर में यूज़ किया जाता है भजिया वगैरह में। तो वो मैंने 2 से 3 चुटकी डाल दिया है, मतलब कि 1/2 टीस्पून भी नहीं है, उसे थोड़ा सा कम ही है। इसे मिक्स कर लेंगे, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। तो मिल्क यहाँ पे मैंने टोटल 2 ग्लास इस्तेमाल किया है। एक साथ सब मिल्क नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब डिपेंड करता है बिस्किट्स पर कि कितने पैकेट आपने यूज़ किए हैं, तो वो हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं बताती हूँ एंड में कितनी होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा दूध में डालती जाऊँगी और इसे मिक्स करते जाऊँगी। आप स्पून की हेल्प से भी इजीली कर सकते हैं ये काम मिक्स करने का। तो कुछ 5 से 10 मिनट देना पड़ेगा इसे मिक्स करने के लिए। तो देखिए थोड़ा सा ये थिक हो रहा था मिक्स होने के बाद, तो थोड़ा थोड़ा दूध और मैं डालते जा रही हूँ इसे मिक्स कर रही हूँ। जो इडली हम बनाते हैं उसका बैटर जिस तरीके का होता है ना, उसी तरीके का ये भी चाहिए हमें। तो एंड में थोड़ा और दूध डालकर मैंने इसे मिक्स कर लिया है फाइनल। ये देखिए इस तरीके का हो गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरीके से हम स्पून को उठाएंगे तो रिबन गिरना चाहिए। तो ये परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ना मैंने लिया है चॉकलेट, तो यहाँ पे डेयरी मिल्क चॉकलेट मैंने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर मैं एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चॉकलेट लावा केक बना रहे हो, जो कि लावे की तरह निकलता है ना चॉकलेट, तो वो वाला बनाना चाहते हो तो यहाँ पे डेयरी मिल्क बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिए। ये खास मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, ये मतलब मैंने बनाया और इस तरीके का हुआ, क्योंकि मुझे बनाना था चॉकलेट लावा केक, वो नहीं बन पाया, क्योंकि ये जो डेयरी मिल्क है ना वो मेल्ट ही नहीं होती अंदर। तो जो चॉकलेट इजीली मेल्ट हो जाए वो यहाँ पे इस्तेमाल करना है। डेयरी मिल्क बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती है, तो ये ना लीजिए अगर लावा केक बना रहे हो। तो अगर नॉर्मल बना रहे हो तो चॉकलेट डालने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर चॉकलेट इडली ही आपको बनाना है तो चॉकलेट भी नहीं डालें फिर भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे चॉकलेट मैंने डाला है। देखिए इसके पीसेस हम इस तरीके से कर लेंगे, एक जो इडली है ना उसमें एक पीस जाएगा, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 जो 20 रुपीज़ के आते हैं ना चॉकलेट डेयरी मिल्क, वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। आप चाहे तो डार्क वाला चॉकलेट होता है ना सबसे बेस्ट होता है, वो लीजिए, उससे बहुत अच्छा लावा केक बनता है। अब यहाँ पे इडली का बर्तन मैंने लिया है। इसके बाद की जो टिप है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, उससे पूरा बिगड़ जाता है जो चॉकलेट का आप बना रहे हो लावा केक, बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना, तो जैसे कि सबसे टॉप वाला जो इडली का बर्तन होता है ना, ये प्लेट जो होती है, वो हमें ग्रीस करना है बटर से। मैंने कर लिया, घी का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑयल का भी कर सकते हो, लेकिन नीचे वाले जो ये बर्तन होते हैं ना इडली के, तो उसमें आप कुछ भी ना डालिए। अगर डाल रहे हो सब बर्तन में तो नीचे आप नमक का इस्तेमाल कीजिए, पानी बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए। अगर पानी आप डालते हो नीचे इसे स्टीम देने के लिए, तो पूरा मेल्ट हो जाएगा और मतलब उथल पुथल हो जाएगा अंदर, पता नहीं आपको सब कुछ दिखेगा भी नहीं नीचे के बर्तनों में, पानी में मिक्स हो जाता है सब, और ऊपर वाला जो ये है ना वही बस दिखाई देगा आप लोगों को। इसके लिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि ऊपर वाला ये जो है ना बर्तन, इसी में बस डालिए अगर पानी का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर पानी नहीं इस्तेमाल कर रहे तो नॉर्मल जो बारीक वाला नमक आता है ना, तो वो नीचे बिछा दीजिएगा सबसे पहले पानी के बदले थोड़ा, और उसके बाद स्टैंड लगा दीजिएगा, अगर सब स्टैंड में आप डालना चाहते हो तो, मतलब सब बर्तन में। तो देखिए यहाँ पे चॉकलेट जो है ना डेयरी मिल्क, वो मैंने इस तरीके से सेंटर में डाल दिया है। उसके ऊपर फिर से हम डालेंगे ये बैटर जो हमने बनाया है दूध और बिस्किट का, ऊपर से डालेंगे तो ये जो चॉकलेट है बीच में मेल्ट हो जाता है इजीली। और ये चीज़ को आप जो कटोरी होती है ना छोटी छोटी, उसमें भी डाल सकते हैं अगर इडली का बर्तन आपके पास नहीं या नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो। तो एक नॉर्मल कोई भी बर्तन, मतलब कंटेनर लेना है,
डेगची वगैरह जो होती है जिसमें राइस वगैरह बनाते हैं हम, और उसमें नमक बिछा दीजिएगा और ऊपर कटोरिया रख दीजिएगा, कटोरियों में ये सब चीज़ें डालना ये बैटर, और रख दीजिएगा तो केक बन जाएगा। स्टीम में पकाना होता है बस हमें। तो देखिए मैंने स्टैंड लगा दिया है, हमें पकने के लिए ऐसे ना समय नहीं लगता है इडली के बर्तन में, तो 10 मिनट में फटाफट हो भी गया तो ये इजीली निकल भी जाता है। देखिए ये गर्म है, इसके लिए मैं स्पून से निकाल रही हूँ, हाथ से भी आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का यहाँ पे सॉफ्ट चॉकलेट लावा केक बनके रेडी हो जाता है, तो मैं इसे निकाल रही हूँ।